30 जून 2021 को राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के फेसबुक पेज पर हम लोग हुल क्रांति दिन ये कार्यक्रम हम लोग ले रहे हैं, मना रहे हैं और पूरे देश भर में आज ये कार्यक्रम बड़े पैमाने पर हमारे आदिवासी भाई मनाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से हुल क्रांति दिन को लेकर आदिवासी समाज में और जो अन्य मूल निवासी या जो जातियां है उनमें भी जिस प्रकार से इस दिन को लेकर जागृति होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, वो जानकारी ना होने की वजह से, वो जागृति हमारे समाज में ना होने की वजह से जिस पैमाने पर आज का दिन पूरे देश में मनाना चाहिए उस प्रकार से हमारे समाज की उतनी गतिविधियां नहीं दिख रही है। इस बात को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा आज ये कार्यक्रम हम लोग ने ऑर्गेनाइज किया कि सही जानकारी हमारे समाज के पास में प्रोवाइड होनी चाहिए। और इस कार्यक्रम का हम लोगों ने विषय भी बनाया, क्या विदेशी यूरेशियन ब्राह्मणों, जमींदारों, साहूकारों के द्वारा अंग्रेजों से मिलकर आदिवासियों पर किए गए अत्याचार एवं शोषण के विरुद्ध आदिवासियों के द्वारा 30 जून 1855 में किए गए संगठित विद्रोह ही हुल महा अर्थात हुल दिवस है, एक गंभीर चिंतन, अथवा शासक जातियों के द्वारा आदिवासी महापुरुषों की जन्म जयंती एवं शहादत दिवस मनाने के बहाने आदिवासी महापुरुषों एवं आदिवासियों का ब्राह्मणीकरण, साजिश का पर्दाफाश, ये दो विषय आज चर्चा में रखे गए और इस संदर्भ में बहुत सारी जानकारी मान्यवर HN रेखवाल साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद नई दिल्ली, इनके द्वारा दी गई। बहुत सारी जानकारी डॉक्टर RS मरकाम सर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ नई दिल्ली, इनके द्वारा भी बहुत सारी जानकारी आप लोगों को दी गई। महात्मन टुडू जी के द्वारा उपेंद्र बेसरा, लवगन मुर्मू जी, इन सभी वक्तागण के द्वारा आप लोगों को हुल दिन की जानकारियाँ प्रोवाइड की। ये हम लोग एक पहल कर रहे हैं कि आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में जो जानकारियाँ दी गई है, अगर ये जानकारी हमारे समाज के पास अगर सही तरीके से हम लोग पहुँचाने में कामयाब अगर होते हैं तो आने वाले दिनों में ये 30 जून बड़े पैमाने पर पूरे देश भर में इसको मनाया जा सकता है और सही जानकारी जो है हमारे आदिवासी भाइयों के पास में प्रोवाइड की जा सकती है। उसकी पहल की तौर पर ये कार्यक्रम हम लोग वर्चुअल ऑनलाइन कन्वेंशन, ऑनलाइन प्रोग्राम हम लोग ये ले रहे हैं। साथियों, इसमें खास करके दो तीन मुद्दे जो है वो देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहली बात जिसका जिक्र भी मरकाम साहब ने किया, आप लोगों को बताया, हमारे समाज को ये जानकारी दी कि इतिहास में लिखा गया कि 1857 का उठाव या आज़ादी का पहला उठाव था और विस्तार से मरकाम साहब ने इस बात को आप सभी हमारे समाज को समझाया। लेकिन 1857 के पहले 1855 में जो हुल क्रांति हुई, जो विद्रोह हुआ,
कार्ल मार्क्स ने एक किताब लिखी मेक इन इंडियन हिस्ट्री, और उस किताब में कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये विद्रोह 6 महीने तक चला और आगे कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इस विद्रोह में अगर अंग्रेज इंटरफेयर नहीं करते, हस्तक्षेप नहीं करते, तो शायद जमींदारों की, महाजनों की, धिकुओं की कत्लेआम हो सकती थी, इतना ये विद्रोह था। अंग्रेज अगर हस्तक्षेप नहीं करते तो इसका अर्थ ये है कि ये 30 जून 1855 का जो आंदोलन था ये अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन नहीं था, ये सेंटेंस से ही साबित हो जाता है। और कार्ल मार्क्स सरी का व्यक्ति अगर ये बात कह रहा है तो इसका मतलब वो साधारण व्यक्ति भी नहीं थे। लेकिन लिखने का अधिकार ब्राह्मणों के पास होने की वजह से ब्राह्मणों ने इतिहास में लिखा कि 1857 का उठाव जो है ये आजादी का प्रथम उठाव था। हालांकि 55 में 6 महीने तक विद्रोह चला और ये जमींदारों के विरोध में विद्रोह था, ये धिक्कू लोगों के विरोध में विद्रोह था, जिसकी भारत के किसी भी इतिहासकार ने और किसी भी राइटर ने इस विद्रोह के बारे में जिस प्रकार से लिखना चाहिए था वो लिखान हम लोगों को बहुत ही कम दिखाई दे रहा है। इसलिए इतिहास को भी हम लोगों को पुनर्निर्माण करना होगा, पुनर्जीवित करना होगा, फिर से उसको लिखना होगा। और ये प्रयास हम लोग ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के द्वारा अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं कि सच्चा जो इतिहास है वो समाज के सामने रखा जाए। अब 1857 के उठाव को लेकर हमारे समाज में क्या है कि ये आजादी का पहला उठाव था। अगर देखा जाए तो 1857 का उठाव 3 विदेशी लोगों में उठाव था, बहादुर शाह जफर, ये मोगल भी विदेशी थे, अंग्रेज भी विदेशी थे, और तात्या टोपे ये ब्राह्मण था और ये भी विदेशी था, क्योंकि ये के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है। और तीनों विदेशी लोगों के बीच में ये आंदोलन चल रहा है, 1857 का आंदोलन, और उसको नाम दिया गया भारत के आजादी का पहला उठाव। इसलिए महाराष्ट्र में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, जो इस मूल निवासी बहुजन समाज में जो एक महापुरुष पैदा हुए, ओबीसी समाज से थे, उन्होंने कहा कि ये आजादी का नहीं था, तो मराठी में उन्होंने कहा ये भट्ट पंडों का उठाव था। भट्ट का मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मणों का उठाव था, और ब्राह्मण कहते हैं आजादी का उठाव था। और हमारे लोगों ने ब्राह्मणों की लिखी हुई जो किताबें पढ़ी उसकी वजह से हमारे लोग कहते हैं कि ये भी 1857 आजादी का उठाव था। ये स्कूलों में पढ़ाया गया, महाविद्यालयों में पढ़ाया गया, कॉलेजों में पढ़ाया गया, लेकिन ये उठाव जो था 1857 का, ये राजसत्ता का उठाव था, उठाव था कि तीनों विदेशी लड़ाई लड़ रहे थे, तय ये करना था कि कौन विदेशी जाएगा और किस विदेशी के हाथ में इस देश की सत्ता मिलेगी। और हुआ यही कि 15 अगस्त 1947 को जब अंग्रेज नाम का विदेशी गया तो ब्राह्मण नाम का विदेशी इस देश का हुक्मरान बना। यानी 3 विदेशी लोगों के उठाव को आजादी का उठाव बताया गया, लेकिन जो हुल क्रांति हुई, जो हुल विद्रोह हुआ, ये विद्रोह 6 महीने तक चला
20,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जाने गवाई। इसमें सिर्फ आदिवासी ही नहीं थे, अन्य जो मूल निवासी है, जो जातियां है वो जातियां भी उसमें शामिल थी। जो 20,000 लोग जो शहीद हुए, उन शहीदों में अन्य जातियां भी शामिल थी। फिर ये उठाव सिर्फ आदिवासियों का उठाव था ऐसा हम लोग नहीं कह सकते, ये उठाव सिर्फ संतालों का उठाव था ये हम लोग नहीं कह सकते। मरकाम साहब ने एक बात बहुत सही बताई, कि ब्राह्मणों ने ये प्रचार में लाया कि ये संतालों का उठाव है, इस वजह से जो अन्य आदिवासी जो जातियां है उन जातियों ने हुल क्रांति दिन के संदर्भ में उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई जानकारी निकालने की कोशिश नहीं की, और ना ही किसी भी प्रकार की कोई इस संदर्भ में पहल करने की कोशिश की। तो इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना होगा कि 1855 का जो उठाव हुआ आदिवासियों का, ये आज़ादी का पहला उठाव था, ये ब्राह्मणों के आज़ादी का उठाव नहीं था। तो ये मूल निवासी लोगों के आज़ादी का उठाव था, आदिवासियों के आज़ादी का उठाव था, हम लोग ऐसा कह सकते हैं। और इस संदर्भ में अगले साल 2022 में इस 30 जून को हम लोग कोशिश करेंगे कि भारत के करीबन 25 राज्यों में और 300 जिलों में 30 जून को करीबन 300 कार्यक्रम के द्वारा हुल क्रांति दिन हम लोग मनाने की कोशिश अगले साल करेंगे। और उसका प्लानिंग जो है वो करीबन एक महीना पहले उसका प्लानिंग हम लोग, उसकी तैयारी, उस कार्यक्रम की तैयारी हम लोग शुरू करेंगे। साथियों, हमारे समाज के जो कुछ लोग हैं जो किताबें लिखते हैं, ब्राह्मणों की किताबें पढ़ते हैं फिर लिखते हैं, उनका एक कहना जब मैंने पढ़ा किताबों में, तो वो कहते हैं कि 1855 का उठाव ये स्वतंत्रता का पहला उठाव के तौर पर नोंद होनी चाहिए। इस बात को थोड़ा जानना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1857 का जो उठाव है ब्राह्मणों ने लिखा, यह आजादी का उठाव है, और 1855 के उठाव किताबों में भी लिख रहे हैं, और जो अन्य संगठनाएं हैं वो भी ये कह रही हैं कि ये 1855 का उठाव ये पहले आज़ादी के उठाव के तौर पर, पहले स्वतंत्रता के उठाव के तौर पर इसकी नोंद होनी चाहिए। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि 1857 का उठाव ये ब्राह्मणों के आज़ादी का उठाव है, 1855 का जो उठाव है ये हमारी आज़ादी का मामला है, हमारी कला सभ्यता संस्कृति अस्तित्व पहचान बचाने का मामला है, जल जंगल जमीन बचाने का मामला है, अपना अबुआ राज लाने का मामला है। तो इसीलिए इस उठाव को नोंद करते वक्त भी हम लोगों ने इस प्रकार की नोंद होनी चाहिए, और इस प्रकार का जागरण भी होना चाहिए कि 1855 का उठाव जो है ये मूल निवासी बहुजन समाज का या मूल निवासी आदिवासी समाज के आज़ादी का प्रथम उठाव हम लोग कह सकते हैं। प्रथम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे विद्रोह हुए, बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन हुल क्रांति जो हुई उसमें बड़े पैमाने पर हमारे लोग शहीद हुए, और बहुत महीनों तक ये विद्रोह चलता रहा, बहुत महीनों तक ये निरंतर क्रांति चलती रही। इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि ये हमारे आज़ादी का है, इस तौर पर इसकी नोंद होनी चाहिए, और लिखने में भी इस प्रकार का हम लोगों ने लिखना भी चाहिए। दूसरी बात,
ब्राह्मणों ने जो प्रचार किया कि ये संथालों का कुलदीन है, जब ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के द्वारा जब हम लोगों ने छानबीन की तो छानबीन में यह पता चला कि इस आंदोलन में अन्य मूल निवासी जातियां भी शामिल थी और उन्होंने बड़े पैमाने पर साथ सहयोग किया। जैसे लोहार नाम की जो जाति है उन्होंने तीर प्रोवाइड किए, बड़ैया नाम की जो जाति है उन्होंने लाठियां प्रोवाइड की, चमार नाम की जो जातियां हैं उन्होंने जूते प्रोवाइड किए इस आंदोलन के लिए लड़ने वाले लोगों को, लड़ाई पर जाने वाले लोगों के लिए। जलाओ नाम की जो जाति है जिसको महाराष्ट्र में शिंपी कहते हैं, उत्तर भारत में उसको दर्जी कहते हैं, उन्होंने कपड़े प्रोवाइड किए। और कुम्हार नाम की जाति है जिनको उत्तर भारत में प्रजापति कहते हैं, तो कुम्हारों ने मिट्टी के बर्तन प्रोवाइड किए। तो इस बात से ये सिद्ध होता है, ये साबित होता है कि ये सिर्फ संथालों का मामला नहीं था, ये जो अन्य मूल निवासी जो जातियां है SC ST SC OBC माइनॉरिटी में, उन जातियों ने इस आंदोलन को बड़े पैमाने पर साथ सहयोग दिया, बड़े पैमाने पर उन लोगों ने सहयोग किया। लेकिन प्रचार में जो लाया गया ये हुल क्रांति सिर्फ संथालों का मामला है, और इस वजह से ये सारी समस्याएं हमारे समाज में निर्माण हुई कि इस आंदोलन को लेकर ना महाराष्ट्र में जागरण रहा, ना गुजरात में जागरण रहा, ना राजस्थान में जागरण रहा, ना छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में जागरण रहा, ना उत्तर प्रदेश में सोनभद्र मिर्जापुर में जागरण रहा, ना दक्षिण भारत में या नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ना इस प्रकार से जागरण रहा, और इस वजह से ये सारी समस्याएं निर्माण हुई। इसीलिए इन बातों को थोड़ा ध्यान में रखकर हम लोगों को ये बात प्रचार में भी लानी होगी, क्योंकि ये तथ्य है कि जब अन्य मूल निवासी जातियों ने साथ सहयोग दिया, समर्थन किया, उन्होंने क्यों किया, उसका कारण ये है कि अगर जल जंगल जमीन अगर आदिवासियों की छीन रही है तो उन आदिवासी एरिया में अगर शेड्यूल कास्ट OBC और माइनॉरिटी समूह अगर निवास कर रहे हैं तो उनकी जल जंगल जमीन बचने वाली नहीं है। जैसे आदिवासियों की छीन रही है तो उस एरिया में उन लोगों की भी जमीन छीनी जा रही है, जा रही थी, इस वजह से वो लोगों ने साथ सहयोग दिया, क्योंकि हमारे पुरखों ने हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाए वो आंदोलन में भाईचारा था, वो आंदोलन में भाईचारा था, इस वजह से अन्य जो मूल निवासी जातियां है उन जातियों ने भी इस आंदोलन में साथ सहयोग दिया। तीसरा एक अहम मुद्दा इस मौके पर मैं रखना चाहता हूं कि आदिवासियों की अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं हैं, जैसे संथाल संथाली बोलते हैं, मुंडा मुंडारी बोलते हैं, भील भिलोरी बोलते हैं, गोंड गोंडी बोलते हैं, तो ये अलग अलग लैंग्वेज है आदिवासियों की। तो अंग्रेजों को तो संथाली नहीं आती थी, अंग्रेजों को तो आदिवासी लैंग्वेज नहीं आती थी, और हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग ना होने की वजह से अंग्रेजों की जो अंग्रेजी थी वो बोली भाषा आदिवासियों को नहीं आती थी, यानी अंग्रेजों को आदिवासियों की भाषा नहीं आती थी और आदिवासियों को अंग्रेजों की भाषा नहीं आती थी। ब्राह्मणों ने कहा कि ये हुल दिन संथालों का विद्रोह था और अंग्रेजों के खिलाफ था, तो सवाल खड़ा ये होता है कि अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों ने लड़ाई क्यों लड़ी, क्या कारण था। अगर ब्राह्मणों की इन बातों को अगर हम लोग इंटरप्रेट करते हैं जो ब्राह्मणों ने लिखा और जो प्रचार दाया कि जब एक दूसरे को एक दूसरे की भाषा समझ नहीं रहे तो वाद क्यों था,
ये वाद अंग्रेजों के विरोध में नहीं था, ये विद्रोह अंग्रेजों के विरोध में नहीं था, ये धुक्की लोगों के विरोध में था। और धिक्कू लोगों के विरोध में विद्रोह क्यों था? क्योंकि धिक्कू लोग जो है जो आदिवासियों की जमीन छीन रहे थे, उनकी संस्कृति खत्म कर रहे थे, उनकी कला खत्म कर रहे थे, उनकी जान जाते थे। और इस वजह माधव के साहूकारों के धुक्कू के मतलब एक ही शब्द है जिनको कहा गया कि विरोध में आदिवासियों ने विरोध करना शुरू किया। तो धिक्कू लोगों ने क्या किया कि धिक्कू लोगों ने अंग्रेजों का साथ और सहयोग लिया, क्योंकि धिक्कू में तीन वर्ण के लोग थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। और उस वक्त ब्राह्मण लर्न थे, पढ़े लिखे थे, क्योंकि मनुस्मृति धर्म ग्रंथ के अनुसार आदिवासियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। हमारे समाज में क्या जानकारी है कि ये अछूतो नहीं था। तो अछूतो को अगर नहीं था तो उस काल में आदिवासियों में कितने पढ़े लिखे थे? तो पढ़े लिखे ही नहीं थे। शेड्यूल कास्ट में कितने पढ़े लिखे थे? तो पढ़े लिखे ही नहीं थे। पिछड़ों में कितने पढ़े लिखे थे? तो पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि मनुस्मृति में लिखा हुआ था शूद्र अति शूद्र को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। तो इस वजह से ये बात जो है ध्यान में आ रही कि ब्राह्मण पढ़ लिखे थे और अंग्रेजों की जो बोली भाषा है ये ब्राह्मण जानते थे, ये धिक्कू लोग अंग्रेजों की बोली भाषा जानते थे। उन्होंने प्लान बनाया, धिक्कू लोगों ने ब्राह्मणों ने प्लान बनाया, जमाया बनाया, बनाया और प्लान बनाकर उनको जो शेड़मा के हो, ये जितने भी महापुरुष हमारे समाज में निर्माण में बनाए, ये आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन नहीं थे, बल्कि अपनी जंगल जमीन बचाने के लिए, अपनी कला सभ्यता संस्कृति बचाने के लिए। क्योंकि जिन लोगों ने कला सभ्यता संस्कृति और जंगल जमीन को खत्म करने का प्रयास किया, आदिवासियों ने उनके विरोध में विद्रोह शुरू किया, क्रांति शुरू की। यही इतिहास है। आदिवासियों की करीबन 1250 लड़ाइयों का अध्ययन करने वाले हैं, जहां जहां लड़ाई हुई वहां लोग सर्च करने वाले, सारे दस्तावेज आने वाले लोग कलेक्ट करने वाले हैं और उस पर संचन करके समाज के सामने सत्य इतिहास जो है फैक्ट है हम लोग रखने वाले। तो ये धिक्कू का मामला था। देखो उसी वक्त सरकार भारत पर चल रहा, धिक्कू लोगों ने अपनी सिक्योरिटी के तौर पर अंग्रेजों का उन्होंने साथ सहयोग लिया और हमारे महापुरुषों के आंदोलन को लेकर उन्होंने भड़काया कि ये लोग जो विद्रोह कर रहे हैं ये आपकी हुकूमत को, हुकूमत के विरोध का विद्रोह है, आपके हुकूमत को ये लोग नहीं मानते हैं, ऐसा इंटरप्रीट ब्राह्मणों ने, धिक्कू ने, साहूकारों ने, जमींदारों ने अंग्रेजों के पास में किया। इसका क्या दस्तावेज है? ये कोई हाइपोथेसिस बात नहीं बता रहा हूं, ये कोई तर्क के आधार पर ये बात मैं नहीं बता रहा हूं। तो मूल निवासी आदिवासियों का सांस्कृतिक इतिहास नाम की एक किताब मंसराम कुमरे जी ने लिखी, उस किताब में उन्होंने ये सारे रेफरेंसेस दिए। दूसरे महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे आदिवासियों के, वेंकटेश आत्राम जी, उन्होंने एक किताब लिखी गोंडी संस्कृति के संदर्भ में और उन्होंने बातों का उसमें जिक्र किया, जो बात मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं। तो इन बातों से ये बात साबित हो रही है कि धिक्कू ने अंगो गलत जानकारी दी। हमारा जो आंदोलन था, हमारे पूर्वों का जो आंदोलन था, आंदोलन को डायरेक्ट इस बात को
समझना, इस व्यवहार उनके साथ हुआ, आज भी वही हो रहा है। आंदोलन शायद ये सिर्फ आंकड़ा है। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ उसमें इतिहास में दर्ज कर दिया, ये उसे भी बहुत बड़ा मामला था। अगर इतिहास में दर्ज होता तो आदिवासी लोग इसे इतिहास क्या है, इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से संघर्ष पैदा होता है, संघर्ष से आंदोलन पैदा होता है, तो हमारे समाज के लोग प्रेरणा लेते। अगर ये इतिहास हमारे समाज के लोगों के पास अगर प्रोवाइड होता तो ये इतना बड़ा विद्रोह था, ये मैंने पढ़ा। खासकर ये आंकड़ा जब मैंने पढ़ा, आदिवासी सत्ता में भी ये छपकर आया। इस रेफरेंस में राजस्थान के मीना ने एक किताब लिखी, आदिवासियों का विद्रोह नाम किताब, थोड़ी महंगी किताब है, 1200 रुपए की। किताब में भी इस विद्रोह का जब जिक्र आया तो वो जब पढ़ा तो ये बहुत बड़ा विद्रोह था जिसमें हमारे बहुत सारे लोग जो शहीद हुए। साथियों, इस उठाव से क्या हुआ उसकी दो तीन बातें थोड़ा जाना बहुत जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि इस उठाव से क्या हुआ। इस उठाव का परिणाम ये हुआ कि जो भिक्कू लोग जो है, जो आदिवासियों की जमीन छीनते थे, लूटते थे, यानी महाजन और ब्रिटिश इनकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, इस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का सहारा लेते हुए अंग्रेजों के साथ में उस प्रकार की ब्राह्मणों की जो इंटरप्रिटेशन चलता था, तो इसके विरोध में यानी सरंजाम शाही के विरोध में जो आदिवासी समाज ने, आदिवासी भाइयों ने जो विद्रोह किया, उससे क्या हुआ कि 1876 में एसपीटी एक्ट जो है वो पास हुआ, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट। और उस एक्ट के तहत ये लिखा गया कि गैर आदिवासी जो है वो आदिवासियों की जमीन खरीद नहीं सकता। और जब संविधान में, संविधान निर्माताओं को जब अवसर मिला तो संविधान निर्माताओं ने जब संविधान की आर्टिकल 244 बनाई तो उसमें अनुसूची 5 में, धारा 5-2 में ये बात कही गई और लिखी गई कि आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता। ये हुल क्रांति की वजह से हुआ। बहुत खास बात ये समझना बहुत जरूरी है, ये अधिकार ऐसे ही नहीं मिला कि आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता। ये हुल क्रांति की वजह से एसपीटी एक्ट बना और उसकी वजह से संविधान निर्माण हुआ, तो आर्टिकल 240 बनाई गई और उसमें ये प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया। दूसरा क्या हुआ, दूसरा ये जो एसपीटी एक्ट है और जो सीएनटी एक्ट है, ये दूसरा प्रारूप है संविधान में 5वीं और 6वीं अनुसूची, जिसमें बहुत सारे अधिकार आदिवासियों के लिए दिए गए।
साथियों 2016 में जब एसपीटी एक्ट में झारखंड में जब संशोधन करने का कार्यक्रम बीजेपी सरकार द्वारा किया और उससे आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी भी खरीद सकता है और खरीदने के नाम पर छीनने का कार्यक्रम आप झारखंड में शुरू हुआ। इस वजह से आज पांचवी और छठवीं अनुसूची जो है इस संशोधन की वजह से प्रभाव शून्य हो गई। 2017 में संशोधन हुआ और 2019 में फॉरेस्ट एक्ट बना और इस फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत आदिवासियों को जल जंगल जमीन से बेदखल करने के लिए 13 फरवरी 2019 में 10-12 राज्यों के 12 लाख आदिवासियों को जल जंगल जमीन से खदेड़ने का कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया। यानी हमारे पुरखों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे आदिवासी समाज के नेताओं ने अपनी जान की बाजी लगाई, जान गवाई। किस संदर्भ के लिए जान गवाई? जल जंगल जमीन को सुरक्षित रखने के लिए। किस संदर्भ के लिए हमारे महापुरुषों ने, हमारे पुरखों ने जान गवाई? कला सभ्यता संस्कृति अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। उसके बदौलत एसपीटी एक्ट बना और एसपीटी एक्ट ही पांचवी छठवीं अनुसूची है, सीएनटी एसपीटी एक्ट। और आज पांचवी छठवीं अनुसूची को प्रभाव शून्य कर दिया एसपीटी एक्ट में संशोधन करके। ये इतना गंभीर मामला दिखाई देता है कि इससे ये बात साबित होती है कि संविधान में हम लोगों को अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन संविधान में जो अधिकार है उसको अमल में भी वो लोग नहीं ला रहे हैं और साथ में बगैर अमल लाए वो अधिकार हमारे जो है वो खत्म कर रहे हैं। साथियों, अगर कला सभ्यता संस्कृति अस्तित्व बचाने के लिए अगर ये आंदोलन हमारे पुरखों ने किया तो आज आदिवासियों की कला समाप्त हो रही है, सभ्यता खत्म की जा रही है, अस्तित्व खत्म किया जा रहा है, पहचान खत्म किया जा रहा है। और खत्म करने के लिए आरएसएस के लोग आदिवासियों को वनवासी बनाने का कार्यक्रम पूरे देश भर में चला रहे हैं। आरएसएस के लोग आदिवासियों को हिंदू बनाने का कार्यक्रम पूरे देश भर में चला रहे हैं। इसलिए गांधी जी ने आदिवासियों को गिरिजन का, कि ये जंगलों के निवासी है, ये जंगलों में रहने वाले लोग है, आरएसएस के लोग वनवासी कहते हैं, उसके आगे जाकर हिंदू बनाने का कार्यक्रम पूरे देश भर में आदिवासियों का चल रहा है। हिंदू के नाम पर आदिवासियों को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। जो आदिवासी अपने आप को हिंदू मानते हैं उन आदिवासियों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हिंदू के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। आर्टिकल 342 में शेड्यूल ट्राइब के नाम पर अधिकार दिया गया। आर्टिकल 15(4)(16)(4) में जो नौकरी का अधिकार है ये शेड्यूल ट्राइब के नाम पर दिया गया है, यानी रिजर्वेशन इन एजुकेशन शेड्यूल ट्राइब के नाम पर, रिजर्वेशन इन सर्विसेज शेड्यूल ट्राइब के नाम पर, रिजर्वेशन इन प्रमोशन शेड्यूल ट्राइब के नाम पर, रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स शेड्यूल ट्राइब के नाम पर। हिंदू के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई अधिकार ही नहीं है। इतना ही नहीं तो शारदा एक्ट आदिवासियों को लागू नहीं है, हिंदू कोड भी आदिवासियों को लागू नहीं है, हिंदू मैरिज लॉ आदिवासियों को लागू नहीं है, हिंदू का किसी भी प्रकार का कोई अधिकार आदिवासियों को लागू नहीं है। फिर भी मोहन भागवत जो है आदिवासियों को हिंदू बनाने का कार्यक्रम चला रहे, वनवासी बनाने का कार्यक्रम चला रहे हैं। इतना ही नहीं तो 6 लाख गांव में वन समितियां बना रहे हैं। वन हक का जो समिति है, जो 2019 में जो वन हक
एक्ट आया, मतलब फॉरेस्ट एक्ट जो आया उसको गांव गांव में वो लोग गठित कर रहे हैं और वो आदिवासी के विरोध में ही काम करती है, वो समिति आदिवासी के विरोध में काम करती है। एक तो वो कांग्रेस से जुड़ी हुई समिति होती है या बीजेपी से जुड़ी हुई समिति होती है। इस वजह से जितने भी हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जो आज बड़े पैमाने पर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, चाहे फॉरेस्ट के द्वारा हो चाहे पुलिस प्रशासन के द्वारा हो, वो समिति आवाज उठाने के बजाय वो फॉरेस्ट और पुलिस प्रशासन का साथ सहयोग देते हुए नजर आ रही। इस बात को थोड़ा समझना बहुत जरूरी। तो हिंदू के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। तो वनवासी और हिंदू का जो मामला है, ये आदिवासियों की पहचान समाप्त होने का मामला है। अगर आदिवासी हिंदू बन जाएगा तो आदिवासी पहचान खत्म हो जाएगी, मतलब आइडेंटिटी खत्म होगी। जब आइडेंटिटी खत्म होगी तो आइडेंटिटी के आधार पर राइट्स है, फर्स्ट आइडेंटिटी रिकॉग्नाइजेशन देन राइट्स। तो ये पहचान समाप्त करने का कार्यक्रम पूरे देश भर में चल रहा है। दूसरा, ज्ञानेश्वर चौबे के द्वारा जो बयान आया, जो संशोधन उन्होंने प्रेजेंट किया, जिन आदिवासियों ने बड़े पैमाने पर इतना क्रांति किया इस देश में, 1250 लड़ाइयां लड़ी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, जो इस देश के मूल निवासी है, ज्ञानेश्वर चौबे कहता है कि आदिवासी विदेशी है, दक्षिण एशिया से आए हुए लोग हैं। यानी आदिवासियों को विदेशी घोषित करने का कार्यक्रम है। मार्कंडेय काटजू कहता है आदिवासी ही मूल निवासी है, ही मूल निवासी है, मतलब जो अन्य मूल निवासी जातियां है भारत में, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ओबीसी और माइनॉरिटी की, जिनका सिविलाइजेशन हुआ है, उनसे अलग रखना चाहते हैं मार्कंडेय काटजू, सेग्रीगेट करना चाहते हैं, और इसलिए वो इस प्रकार का बयान दे रहे। चौबे कह रहे विदेशी है, ये कह रहे हैं आदिवासी ही मूल निवासी है। आरएसएस वाले हिंदू बनाने में लगे हुए, वनवासी बनाने में लगे हुए, और इसके लिए कांग्रेस बीजेपी के लोग बड़े पैमाने पर सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। ये इसलिए किया जा रहा है इस देश में कि हमारे पुरखों ने जिसके लिए ये लड़ाई लड़ी, ये क्रांति की, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, वो जल जंगल जमीन को छीनने का कार्यक्रम इस देश में चल रहा है। क्योंकि आदिवासी जिस क्षेत्र में निवास करते हैं वहां पे 90 प्रकार के धातु है, सोने है, चांदी है, हीरे है, जवार है, मोती, ग्रेनाइट, मैग्नाइट, प्रोटीनियम, यूरेनियम, बक्साइट, और इसकी कीमत करीबन 80,000 लाख करोड़ के ऊपर अभी चली गई है। और संविधान कहता है कि इसका मालिक आदिवासी है। अब जब तक आदिवासी आदिवासी रहेगा तब तक आदिवासी को संविधानिक अधिकार लागू रहेंगे, तब तक आदिवासियों का सेफगार्ड संविधान रहेगा, तब तक आदिवासियों की सुरक्षा संविधान रहेगा। कब तक? जब तक आदिवासी आदिवासी रहेंगे, जब तक आदिवासियों की मूल पहचान बरकरार रहेगी तब तक रहेगा। तो ये जल जंगल जमीन के अंदर जो 90 प्रकार के धातु है, अकेले झारखंड में 44 प्रकार के धातु है। तब झारखंड झारखंड नहीं था, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये जो है एक ही था। तो 90 प्रकार के धातु है, 44 तो अकेले झारखंड में है। मैं हर बार कहता हूं कि अकेला झारखंड पूरे देश को संभाल सकता है, इतनी संपत्ति झारखंड में है। और झारखंड क्षेत्र के आधार पर झारखंड नहीं बना, छत्तीसगढ़ बोली भाषा के आधार पर छत्तीसगढ़ नहीं बना, ये आदिवासी बोल क्षेत्र है। इस बात को भी हम लोगों को थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। तो
तो आदिवासियों के आदिवासी जिस क्षेत्र में निवास करते हैं वहां पर 90 प्रकार के धातु है, तो ये कैसी चुराए जाए? तो जो धिक्कू आज वर्तमान के ब्राह्मण, जिनको हम यूरेशियन ब्राह्मण कहते हैं, ये विदेशी लोग है, ये हम लोग कह रहे हैं। उस वक्त हमारे लोग धिक्कू कहते थे, हम कहते हैं यूरेशियन ब्राह्मण। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये धातु चुराने के लिए टाटा बिरला मफतलाल अंबानी अडानी जो है वो बड़े पैमाने पर इस एरिया में हस्तक्षेप कर रहे, करने के लिए पुलिस प्रशासन और कांग्रेस बीजेपी के लोग उनको बड़े पैमाने पर साथ सहयोग देते हैं। इतना ही नहीं तो नया कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया, जो विरोध करेगा उस आदिवासियों को मार देते हैं और कह देते हैं मुठभेड़ में नक्सलवादी मारा गया। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हमारे लोगों ने क्रांति की दो चीजों के लिए, एक जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, दूसरा कला सभ्यता संस्कृति अस्तित्व को बचाने के लिए। और ये खत्म अंग्रेजों ने नहीं किया और ना ही अंग्रेज कर रहे थे। अंग्रेज तो 150 साल राज किया, अंग्रेज आने के पहले ये सब हमारी लड़ाई जिनके साथ थी, किनके विरोध में लड़ाई थी, तो हमारी लड़ाई यूरेशियन ब्राह्मणों के विरोध में हमारी लड़ाई थी। अगर इतिहास के पन्ने हम लोग उठाकर देखते हैं तो इस बात को थोड़ा हमें गंभीरतापूर्वक ध्यान में रखना होगा कि आज वर्तमान में जो धिक्कू है वो टाटा बिरला मफतलाल अंबानी कांग्रेस बीजेपी कम्युनिस्ट के लोग है, ये धिक्कू है। इनके विरोध में अभी उलगुलान होना चाहिए, उनके विरोध में हुल क्रांति होनी चाहिए और होगी, ये नहीं होनी चाहिए। इसीलिए इतना बड़ा जो संघर्ष हुआ 30 जून 1855 को, उसको एक ही लाइन में ब्राह्मणों ने लिखा, संथालों का विद्रोह। इसलिए बाकी के आदिवासियों में जो जातियां है उन लोगों ने उतना छानबीन करना जरूरी नहीं समझा। और अंग्रेजों के विरोध में विद्रोह था ऐसा लिखने की वजह से हमारे धुंधर जो लोग हैं समाज के, अंग्रेज तो अब चले गए, वो पढ़कर भी क्या करेंगे, हमारे इतने होशियार लोग हैं कि अंग्रेज तो चले गए, अब वो इतिहास पढ़कर क्या करेंगे। हाँ, हुई थी अंग्रेजों के वक्त लड़ाई हुई थी, तो हमारी मानसिकता इस प्रकार से बनाई गई कि एक संतालों का विद्रोह है, दूसरी मानसिकता बनाई गई अंग्रेजों के विरोध में विद्रोह है, इस वजह से हमारे लोगों ने उसको ठीक से पढ़ा नहीं और सही तरीके से समझा भी नहीं। तो इसलिए इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना होगा कि आज वर्तमान के जो धिक्कू है ये यूरेशियन ब्राह्मण है, आज वर्तमान के धिक्कू कांग्रेस बीजेपी कम्युनिस्ट के जो लोग है ये वर्तमान के धिक्कू है, जो आज बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार हो रहा है और इसके लिए सब मिलजुल कर वो लोग काम करते हैं, लेकिन हम लोगों को लगता है कि वो अलग अलग है। हमारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो अलग अलग है, लेकिन वो कांग्रेस बीजेपी कम्युनिस्ट वो एक ही लोग है और ये वर्तमान के धिक्कू है। अब हमारा संघर्ष इनके विरोध में होना चाहिए। अगर हम लोग जल जंगल जमीन को बचाना चाहते हैं, हमारी कला सभ्यता संस्कृति को बचाना चाहते हैं, तो संघर्ष के बगैर किसी भी प्रकार का कुछ मिलने वाला नहीं है। हुल क्रांति हुआ उस वजह से SPT CNT बनी। हुल क्रांति मतलब हमारे महापुरुषों ने, पुरखों ने जितनी भी क्रांतियां की, चाहे वो बिरसा मुंडा की क्रांति हो, वो भी एक हुल क्रांति हम लोग कह सकते हैं, जिनको उलगुलान भी कह सकते हैं, शब्द अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से वर्तमान में ये हुल क्रांति की जरूरत है और ये करने के लिए संविधान के दायरे में रहकर इस क्रांति को हम लोग करेंगे आने वाले दिनों में। उसकी तैयारियां पूरे देश भर में हम लोग कर रहे हैं। तो दुश्मन जो है हमारा अस्तित्व खत्म करना चाहता है, जल जंगल जमीन खत्म करना चाहता है, और इसलिए हमको वनवासी हिंदू नक्सलवाद इस प्रकार के नाम देकर आदिवासियों की जो पहचान है वो खत्म करने का कार्यक्रम इस देश में चल रहा है। इसलिए मैं आदिवासी भाइयों को एक मौलिक बात आज के मौके पर मैं
बताना चाहता हूं कि हमारी प्रमुख दो प्रकार की समस्या है। एक, आज हमारी हजारों समस्याएं निर्माण हुई उसके दो कारण है। नंबर एक, हमारे समाज के लोग जिनको अपना प्रतिनिधि मानते हैं वो हमारे प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि वो कांग्रेस बीजेपी कम्युनिस्टों के एजेंट है, वो हमारे प्रतिनिधि नहीं है। नहीं तो 47 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और करीबन 450 एमएलए हमारे समाज में होने के बावजूद भी आज हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि पुना पैक्ट की वजह से हमारे समाज में दलाल और भड़वे पैदा हुए। पुना पैक्ट सिर्फ शेड्यूल कास्ट को लागू था, आदिवासी को लागू नहीं था। गांधी कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने पार्टी लेवल पर यह पुना पैक्ट अभी आदिवासियों पर लागू किया। इस वजह से लड़ झगड़ने वाले लोग जो चुनकर जाने वाले थे वो चुनकर नहीं जा रहे, और तो ये हमारे प्रतिनिधि नहीं है, मतलब हमारे समाज में प्रतिनिधित्व का अभाव, ये हमारा सबसे बड़ा कारण है। हमारे समाज में नेतृत्व का अभाव, ये हमारा सबसे बड़ा कारण है आज हमारी हजारों समस्याएं जो निर्माण हो रही है। और दूसरा, इस कमी को हम लोगों को पूरा करना होगा। जो प्रतिनिधित्व का अभाव है, जो नेतृत्व का अभाव है, इस कमी को पूरा करना होगा। और आदिवासी समाज में जितनी जातियां हैं उन जातियों में प्रतिनिधित्व, उन जातियों में नेतृत्व निर्माण करना होगा। नेतृत्व के आगे की प्रक्रिया है प्रतिनिधित्व। अब हमें हमारे जितनी भी समाज में जातियां हैं उन जातियों में नेतृत्व निर्माण करना पड़ेगा, ताकि लड़ झगड़ने वाला रिप्रेजेंटेटिव हमारे समाज में निर्माण हो, भिड़ने वाला निर्माण हो बल्कि भागने वाला नहीं। और दूसरा कारण है कि आज हमारी हजारों समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, उसका दूसरा कारण ये है कि वर्तमान का शासक जो है वो यूरेशियन विदेशी ब्राह्मण है। अगर इस देश में हम लोग शासक होते तो जिस समाज का होता है राजा वो समाज होता है ताजा। आज राजा ब्राह्मण है तो समाज ब्राह्मणों का ताजा है, हम लोग गुलाम है। यहाँ के मूल निवासी है संख्या में 7.5% है, ब्राह्मण 3.5% है, अल्पसंख्य है राजा बना हुआ है, विदेशी है राजा बना हुआ है। तो ये दो कारण है कि एक प्रतिनिधित्व और नेतृत्व का अभाव, और दूसरा इस देश का शासक जो है वो यूरेशियन विदेशी ब्राह्मण है, और वो शासक तीन कारणों से बना हुआ है। नंबर एक, विभाजन। पहला विभाजन वर्ण व्यवस्था शूद्र अति शूद्र बनाया, दूसरा विभाजन जाति व्यवस्था 6,743 जाति के टुकड़े बनाए, सचूत अचूत बनाया, और इस वजह से, इस वर्ण व्यवस्था की वजह से जिन लोगों ने इस वर्ण व्यवस्था का चेहरा देखना पसंद नहीं किया, जंगल की ओर चले गए, वो आदिवासी बन गए। सबसे बड़ा विभाजन कि हमारे समाज को इस वर्ण व्यवस्था की वजह से सिविलाइजेशन से दूर रहना पड़ा। अभी तक हमारे बुद्धि का विकास, हमारे समाज के लोगों के बुद्धि का विकास अभी तक होने नहीं दिया। विभाजन सबसे बड़ा हथियार। अगर 3.5% अल्पसंख्यक के लोग अगर शासक बने हुए, विभाजन। इसलिए हम लोगों को शक्ति का निर्माण करना होगा, संगठित शक्ति का निर्माण करना होगा। दूसरा है अज्ञानता। पढ़ा लिखा होना एक अलग बात है, जागरूक होना एक अलग बात है। जागरूक जो होता है उसे ज्ञानी कहा जा सकता है, पढ़ा लिखा है लेकिन जागरूक नहीं है वो अज्ञानी है। और इस अज्ञान की वजह से आज दुश्मन का षड्यंत्र हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, जो हमारे विरोध में वो निर्णय ले रहा है वो षड्यंत्र ही समझ में नहीं आ रहा। और तीसरा, अगर वो शासक बना हुआ है तो आज वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का वो इस्तेमाल करता है। तीन कारण है,
एक है विभाजन, दूसरा अज्ञानता और तीसरा ईवीएम। लोकतंत्र का सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लोकतंत्र का प्राण तत्व प्रतिनिधित्व है और यही प्रतिनिधित्व आज ईवीएम की वजह से समाप्त हो गया। हमारा समाज जिनको चुनना चाहता है उनको चुन नहीं सकता, यानी ईमानदार व्यक्ति को अगर आप चुनना चाहे तो चुन नहीं सकते और बदमाश चुनकर चला जाता है ईवीएम की वजह से। और हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस, बीजेपी और कम्युनिस्ट के लोग ऐसा मानते हैं कि हम जनता के वोट से थोड़ी ना चुन कर जाते हैं, हम आदिवासी के वोट से थोड़ी ना चुन कर जाते हैं, हम मशीन से चुन कर जाते हैं। जब चुनकर ही मशीन से जा रहे हैं तो आदिवासियों की समस्या का समाधान करने क्या जरूरत है? इसलिए साथियों, मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आखिरी यही संदेश मैं अपने आदिवासी भाइयों को देना चाहता हूं कि जिन महापुरुषों ने ये क्रांति की, इस क्रांति का जो उद्देश्य था जल जंगल जमीन की सुरक्षित रखना, अपनी कला सभ्यता संस्कृति और अस्तित्व को बचाए रखना, स्वायत्त शासन बचाए रखना, ये जो इस विद्रोह का, इस क्रांति का जो उद्देश्य था जिसमें सीधो कानू, चांद भैरव और फूलो झानो ये जो दो महिलाएं हैं इस विद्रोह में, इस क्रांति में, फूल क्रांति में बड़े पैमाने पर महिलाओं ने भी हिस्सेदारी ली थी। अगर सही मायने में अगर हमारे महापुरुषों को, हमारे पुरखों को अगर हम लोग श्रद्धांजलि अगर देना चाहते हैं तो आज वर्तमान के जो धिक्कू लोग आप लोगों को बताए उनके विरोध में हम लोगों को समाज में बड़े पैमाने पर जागरण करना होगा, समाज को बड़े पैमाने पर हम लोगों को जोड़ना होगा। आज जो सेग्रीगेट होकर जो अलग अलग लड़ाई हमारे समाज के लोग लड़ रहे हैं, अगर हम लोग अपना झंडा डंडा एजेंडा लेकर अगर एक मंच पर आते हैं तो एक ताकत बन जाएगी, एक संचय शक्ति का एक निर्माण हम लोग कर सकते हैं, एक संगठित शक्ति का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए आप सब लोग साथ सहयोग देंगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए सबका आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत, जय आदिवासी।